ये देखिए बैगन भूंज लिए थे, टमाटर डाल दिए हैं, प्याज काट के डाल दी पत्ती, हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इधर देखिए कढ़ी चढ़ी हुई है, कढ़ी के लिए मट्ठा में बेसन खोल दिया था तो ये खोल रही है, इसको बीच बीच चलाते जा रहे। इधर कटोरा में बेसन खुला रखा है पकौड़े के लिए, और चावल निकाल लिए हैं तो चावल भी धुल लें। अदहन चढ़ा दिया है, पानी चढ़ा दिया खौलने के लिए चावल के लिए, क्योंकि चावल बस आके बनाएंगे। इधर चावल के पानी में नमक डाल दे रहे, तो क्या है मोबाइल बार बार गर्म हो जाता है, इस वजह से कड़ी अड़ी खोलना ये सूट नहीं हो पाया। बार बार गर्म हो जाता तो बंद हो जा रहा था। किसी तरह से वीडियो सूट कर लेते हैं, फिर फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने, फिर उसको सूट करते हैं। इस तरह से सूट होता है। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है दोस्तों, तो ये देखिए पानी खोलने लगा था तो चावल डाल दिए हैं। अब यही कढ़ी बार बार देखते रहेंगे और चावल भी और चलाते रहेंगे तो चावल भी बन जाएंगे, कढ़ी भी बन जाएगी। ये देखिए प्याज डाल के पकौड़ी बना रहे हैं आज कढ़ी के लिए, सादा पकौड़ी नहीं बना रहे हैं, प्याज डाल के बना रहे। तो प्याज आज डाल दी है इसमें बेसन में। यही अपने सलाद काट ले रहे, ककड़ी रखी हुई थी तो उसका सलाद काट ले रहे हैं। देखिए बीच बीच में कड़ी भी चलाते जा रहे, वरना ये उफना जाएगी और नीचे तली में लग भी जाएगी। स्लो गैस कर दिया है, कड़ी खोल रही है। चलिए तो ये इधर ये दो ककड़ी आ गई थी तो इसी का सलाद, जैसे ककड़ी नहीं होती है तो प्याज वगैरह काट लेते हैं, लेकिन इस टाइम तो अभी ककड़ी मिल जा रही है तो ककड़ी और नींबू का सलाद हो जाएगा। आप लोग को मेरी किचन फैली फैली दिखाई देती, लेकिन क्या करें दोस्तों, छोटी जगह है, ये गैस पट्टी है, बस इसी में खाना बनाते हैं तो सारा सामान यहीं रखा रहता है, खाना बना के भी यहीं रख देते हैं, इस वजह से फैल जाता है। फिर इसके बाद जब खाना बन जाता है तो पूरा व्यवस्थित कर देते सब कुछ, फिर सेट कर देते हैं तो फिर साफ हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, एक कमरा है, एक किचन है तो सारा सामान फैल ही जाता है, क्या करें, कितना भी व्यवस्थित करो खाना बनाते टाइम फैल जाता। तो ये देखिए पापड़ तल लिए थे तो सूट नहीं हो पाया है, बताया ना मोबाइल गर्म हो जाता है। ये पकौड़ी के लिए बेसन घोला था तो उसमें जैसे अच्छा फेंट लो, लेकिन फिर भी कभी कभी पकौड़ी क्या है कड़क हो जाती, तो हल्का सा सोडा डाल दीजिए तो फिर पकौड़ी एकदम सॉफ्ट बनती और बहुत फूली फूली बनती। तो भाई मीठा सोडा डाल दिया था, इसके बाद निकालने लगे हैं पकौड़ियाँ। तो ये प्याज वाली पकौड़ी बना रहे, सादा पकौड़ी नहीं बना रहे हैं। ये देखिए पकौड़ी डाल दी, वैसे मुझे फैला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है दोस्तों, छोटी जगह है तो ज़्यादा सामान कहीं रख नहीं सकते हैं, तो यहीं सब कुछ रखा है। तो कब जैसे कुछ भी फैल जाता तो कपड़ा लिए रहते फौरन पहुँचते थे, हाथ भी पहुँचते, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सफाई पसंद है, व्यवस्थित सामान। ये देखिए पकौड़ियाँ निकल गई हैं तो कढ़ी में डाल दे, कढ़ी भी बहुत अच्छे से खोल गई है, मतलब कढ़ी तब तक खोलाना चाहिए जब तक आधी ना रह जाए। तो ये देखिए खोल गई, पकौड़ी डाल दी, पकौड़ियाँ नीचे उतार के डाल दिए तो बहुत अच्छे से फूल गई थी, एकदम सॉफ्ट हो गई थी। अब कढ़ी में तड़का लगाना बाकी है, ये तड़का पैन रख दिया है, मेथी ले ली है और करी पत्ता ले लेंगे, हींग डाल देंगे, अगर लहसुन वगैरह डालना है तो वो भी डाल देंगे और डाल सकते, लेकिन अभी नहीं डाला मैंने। ये लाल मिर्च ले ली है तो इसके टुकड़े करके डाल दिए, क्योंकि कढ़ी में है ना लाल मिर्च बहुत अच्छी लगती है, जब ये हो जाए तड़का लगा दो फिर बीच में आ जाती, तो इसको मसल के कढ़ी में मिला लो तो बहुत स्वादिष्ट लगती। वैसे तेल में भी तल के रख लो, फिर जब अच्छी खरी खरी हो जाती फिर बाद में कढ़ी में मसल के डाल लो, तो बहुत मुझे तीखा पसंद भी है, जैसे आप लोग को नहीं पसंद तो मत डालिए। ये देखिए तड़का भी हो गया है, अब तड़का लेंगे कढ़ी में डाल देंगे, क्योंकि बाद का तड़का एकदम खुशबू आती है, पहले लगा दो ना तो इसमें अच्छी खुशबू नहीं आती जितनी बाद के तड़का में आती है।
ये डाल दें हींग। मेथी मैं करी पत्ता का तड़का लगा दिया है, लाल मिर्च डाल दी है। अब बस देखिए, आपको दिख रही ना पकौड़ी फूली फूली, बहुत अच्छी फूल गई थी पकौड़ी। बस थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये चावल भी बन गए हैं, तो आज बनाया कड़ी चावल और रोटियाँ। ये देखिए शाम का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं, आ गए हैं ऊपर दुकान से। तो ये बैगन रखे थे 3, तो इनको भूंज ले रहे हैं। तो बैगन का भरता बनाएंगे आज, या दही बैगन खा लेंगे जीरा वगैरह डाल के। अब बाटी वगैरह बनाना थी, लेकिन ये बैगन सही नहीं है, इस वजह से बाटी नहीं बनाएंगे। बाटी के लिए अच्छा बड़ा बड़ा बैगन हो, एक बिना बीजा का, उसका भरता बहुत अच्छा लगता। तो देखिए अभी क्या है, नाइट में जाना, खाना भी नहीं खाना पड़ता। 2-3 रोटी हम खाते, 2 रोटी, ये भी 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते हैं। सुबह भी गर्मियों में नहीं ज़्यादा खाना खाता कोई नहीं, 2-3 रोटी सुबह, 2-4-3 रोटी शाम को, फिर कुछ ठंडा वगैरह पी लेते। तो ये बैगन भूंजे ले रहे, तो भरता बना ले रहे, और कर दें आरती, फिर बर्तन वर्तन वॉश करेंगे। ये देखिए बैगन भूंज लिए थे, टमाटर डाल दिए हैं, प्याज काट के डाल दी, पत्ती डाल दी, हरी मिर्च। अब बस इसमें नमक डाल दे रहे और थोड़ी सरसों का तेल, इसको मिक्स की ले रहे, तो भरता रेडी हो जाएगा। इधर थोड़ी सा आटा लगाया है, बेसन नमक अजवाइन डाल के, तो इसकी थोड़ा घी का मोहन डाल दिया था, तो इसकी मोटी मोटी रोटी बना ले रहे। ये देखिए इसमें नमक मिला दिया है और टमाटर और सरसों का तेल थोड़ा सा, बस भरता बन के रेडी हो गया। फटाफट रोटियां सेक लें, तो इनको थाली लगा दें। पहले सोच रहे थे बाटी बनाए, सत्तू वाली बाटी, सत्तू भर के, फिर सोचा हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि है ना, एक दो मुझे खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, 4 या 5 ये खाएंगे। ये देखिए बाहर बैठे हैं, खा रहे हैं आइसक्रीम। खाना पीना हो गया है, लाइट भी नहीं है अंदर, तो यहाँ बाहर आ गए हैं छज्जा में, फैन लगा लिया, बस यहीं बैठे हुए हैं। चलिए दोस्तों, यहीं से अपने ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट कर देते हो, लाइक नहीं करते हो, फुल वॉच भी नहीं किया करते हो वीडियो। आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।